नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। अस्पताल में भी मरीज सुरक्षित नहीं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पिछले दिनों हुए एक सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई है। राजधानी रांची के रजिस्टर्ड 114 नर्सिंग होम और अस्पतालों में महज 22 के पास ही फायर ब्रिगेड का NOC है, जो ये बताता है कि अगर इन अस्पतालों में कोई हादसा हो गया तो बड़े जान माल का नुकसान होगा। एक रिपोर्ट देखिए। पहले के कई अस्पतालों में मरीज नहीं है सुरक्षित, इन अस्पतालों में कभी भी लग सकती है आग। सुरक्षा मानकों को ताक पर रखते हैं कई अस्पताल। कुल 114 अस्पताल रांची में हैं रजिस्टर्ड, मात्र 22 अस्पतालों के पास ही फायर NOC। उपायुक्त के निर्देश के बाद राजधानी रांची के तमाम अस्पतालों और नर्सिंग होम का सर्वे किया गया, जिसमें ज्यादातर अस्पताल इस सर्वे में फेल ही रहे। राजधानी के कुछ बड़े अस्पताल जहां इक्विपमेंट लगे हैं, लेकिन कई ऐसे अस्पताल हैं जहां इलाज तो होता है, लेकिन अगर इन अस्पतालों में अगलगी की कोई घटना हो गई तो शायद उस पर काबू पाने में किसी के भी हाथ पांव फूल जाएंगे और छोटी आग भी बड़ा रूप ले लेगी, क्योंकि शहर के निजी अस्पताल और क्लिनिकों में फायर सेफ्टी से संबंधित जांच में पता चला है कि 85 अस्पतालों में फायर NOC तक नहीं लिया गया है। पहले तो नर्सिंग होम और हॉस्पिटल हम लोग जांच किए थे पूरा टाउन के, तो 114 था जिसमें 20 से 22 NOC लिया था, बाकी ऐसा ही चला था, अभी तक लोग नहीं लिए। अभी कोविड वाला तो आ रहा है, जो आ रहा है उसको हम लोग दे रहे हैं, NOC भी कई गो गया है, करीब 10-12 गो है जी। इन अस्पतालों के पास नहीं है फायर NOC। डोरंडा नर्सिंग होम, सृष्टि हॉस्पिटल, गुलमोहर अस्पताल, रानी चिल्ड्रन अस्पताल करमटोली, रिंची हॉस्पिटल, मैक्स ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, ओम नर्सिंग हॉस्पिटल, नाथ हॉस्पिटल, लाइफ केयर हॉस्पिटल बूटीमोर, कई दूसरे अस्पताल भी बिन NOC के संचालित। वहीं कुछ अस्पताल तो ऐसे भी हैं जो NOC निर्गत होना तो दूर, बल्कि NOC के बगैर आवेदन के ही बिल्डिंग तैयार कर अस्पताल खोल कर उसमें मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जबकि नियम की माने तो अस्पताल या किसी भी कमर्शियल अपार्टमेंट के निर्माण से पूर्व ही अग्निशमन विभाग से NOC लेना अनिवार्य है। मिली जानकारी के मुताबिक 44 अस्पताल और हेल्थ सेंटर ऐसे पाए गए हैं जहां अग्निशमन यंत्र तक नहीं है। मामले की जानकारी देते हुए जांच के नोडल ऑफिसर ने बताया कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि 2017 से NOC के आवेदन ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन कई लोग अब भी ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कागजात पूरे नहीं होते हैं, ऐसे में उन्हें NOC नहीं दिया जा सकता। अच्छी शहरी क्षेत्र में या प्रखंड स्तर पर हम लोगों ने 114 हॉस्पिटल का, सरकारी या गैर सरकारी का, हम लोगों के द्वारा जांच किया गया उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार, और जांच करने के उपरांत उसमें पाया गया कि लगभग 20% के आसपास लोगों के द्वारा NOC लिया गया है, जो कि लोग सच समय उन लोगों के द्वारा रिन्यूअल भी किया जा रहा है। और अन्य जो हॉस्पिटल हैं उनके द्वारा अभी तक NOC प्राप्त नहीं किया गया है। अब ऑफलाइन माध्यम से उन लोगों के द्वारा अप्लाई किया जाता है, 2017 के नवंबर दिसंबर से ऑनलाइन प्रणाली बहाल हो गई है सरकार के आदेशानुसार, तो ऑफलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र या एडवाइजरी दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है सरकार के गाइडलाइन के अनुकूल। तो जो ऑनलाइन आज भी अप्लाई कर रहे हैं उनको 30 दिनों के अंदर फायर ब्रिगेड की ओर से एडवाइजरी या NOC या रिन्यूअल NOC निर्गत किया जा रहा है। बहरहाल इन अस्पताल में मरीज स्वास्थ्य लाभ लेने जाते हैं, वहीं अगर ऐसे में अगलगी की घटना हो जाती है तो बड़े जानमाल की हानि से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यूज 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। रांची के कई अस्पताल सुरक्षित।
तो ये रिपोर्ट हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप ये समझ सके कि कैसे ये अस्पताल आग से खेल रहे हैं। इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं कि कैसे अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो यहाँ के मरीजों को कैसे बचाया जा सकेगा या फिर यहाँ जो कर्मचारी हैं उनकी जान कैसे बचाई जा सकेगी। तो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि अगर एनओसी नहीं तो फिर ये अस्पताल कैसे चलाए जा रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, एनओसी नहीं है लेकिन अस्पताल चलाए जा रहे हैं, सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन की नजर अब तक नहीं गई? अगर कुछ हादसा होता है, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? वो अस्पताल जिन्होंने एनओसी नहीं ली, जो बिना सुरक्षा के अस्पताल चला रहे हैं, या फिर वो जो सब कुछ जानते हुए भी इसे अनदेखा कर रहे हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ होता जा रहा है? देखिए बिल्कुल आरती, अगर हम देखेंगे तो देश भर में कई ऐसे हादसे अस्पतालों में हुए हैं जहां पर आग लगने की वजह से कई लोगों की जानें गई हैं, कई मरीज इसमें झुलस करके मौतें हुई हैं। तो ऐसे में राजधानी रांची में रांची डीसी के आदेश के बाद जो पिछले दिनों सर्वे कराया गया है उसमें ये जानकारी चौंकाने वाली निकल के आ पाई है कि 114 रजिस्टर्ड हॉस्पिटलों में से मात्र अगर 22 लोगों का एनओसी प्राप्त है और बाकी अन्य अस्पतालों में ये एनओसी प्राप्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हम कहें तो राजधानी रांची के वैसे अस्पतालों में है जहां पर अग्निशमन यंत्र ही मौजूद नहीं है, उनके पास एनओसी ही नहीं है अग्निशमन विभाग की। मतलब आप अस्पताल जो चला रहे हैं आप आग से खेल रहे हैं। कभी भी अगर आपके हॉस्पिटल में इस तरह की दुर्घटनाएँ होती है, आगजनी की अगर घटनाएँ होती हैं तो उसे फायर सेफ्टी सिस्टम के अंतर्गत आने वाली जो तमाम सुविधाएं हैं वो हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं होने की वजह से मरीजों की जान के खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों पर थोड़ी सी जिला प्रशासन को, अग्निशमन विभाग को, तमाम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे अस्पताल जो बिना एनओसी के संचालन किया जा रहा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चूँकि ये ऐसे अस्पताल है, चूँकि वो भी इस वक्त जब कोविड के संक्रमण के दौर में लगातार तमाम अस्पतालों में भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही थी, लोग बड़ी संख्या में अस्पतालों पर एडमिट थे, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में अगर इन अस्पतालों में कहीं ना कहीं अगर दुर्घटनाएं अगर होती तो एक बड़ा हादसा राजधानी में देखने को मिल सकता था। क्योंकि अगर आपके पास फायर फाइटिंग के सिस्टम उपलब्ध नहीं है या फिर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखे हैं या फिर आपके बाद वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो फिर अगर आगजनी की घटना होती है तो आप मरीजों को कैसे बचाएंगे? इसके लिए आपके पास जो है वो ब्लू प्रिंट नहीं है, आपके पास वो कारगर सूत्र नहीं है जिसके जरिए आप आग पर काबू पा सकते हैं। चूंकि हॉस्पिटल का संचालन करने के लिए या कॉमर्शियल बिल्डिंग के संचालन करने के लिए फायर ब्रिगेड से एनओसी लेनी होती है, मतलब फायर सेफ्टी सिस्टम का जो जितनी चीज़ें हैं उनको इंस्टॉल करनी होती है और उनसे लगानी होती है। लेकिन राजधानी रांची के 114 हॉस्पिटल में से मात्र अगर 22 लोगों ने ही सिर्फ इस तरह के जो एनओसी प्राप्त किया है, अन्य लोगों ने अब तक इनको नहीं प्राप्त किया, तो कहने के सवाल टूटता है कि अगर आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएँ होती हैं इसके पीछे के जो दोषी या लापरवाही होगी वो किसकी होगी? क्या जिला प्रशासन इसकी जवाबदेही लेगा कि अगर दोषी अगर हॉस्पिटलों में आगजनी की घटना होती है तो उसके बाद जो जान माल का नुकसान होता है तो उसके पीछे के जो दोषी लोग हैं क्या जिला प्रशासन होगी या फिर वैसे हॉस्पिटल प्रबंधक? सवाल ये तो उठेगा कि अगर कुछ हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन सवाल पहले ये उठता है कि अचानक से ये 114 अस्पतालों में से अगर 22 को छोड़ दे जिनके पास एनओसी है, बाकी के जो अस्पताल बचते हैं वो अचानक से तो रन नहीं कराए जा रहे होंगे, बाकायदा उसकी रनिंग चल रही होगी, सारे प्रोसेस हो रहे होंगे। तो क्या अब तक जिला प्रशासन ये नहीं समझ पाया या फिर उसकी नजर में नहीं आ पाया कि इतने सारे अस्पताल चल रहे हैं लेकिन उनके पास तो एनओसी है नहीं, फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम है नहीं, ऐसे में कैसे मरीजों को एडमिट लिया जा रहा है, कैसे वहां पर वो अस्पताल चल रहा है, संचालन हो रहा है? क्या अब तक नजर नहीं गई? अगर सिर्फ 22 अस्पताल ही एनओसी लेकर काम कर रहे हैं तो बाकियों का माई बाप कौन है? देखिए बिल्कुल आरती, बड़ा सवाल है कि आखिर इतने दिनों से बिना एनओसी के ये तमाम जो अस्पताल है वो कैसे संचालन किए जा रहे हैं। कुछ अस्पताल
जो कि काफी बड़े हैं, सेवा सदन जो कि बड़ी संख्या में घनी आबादी के बीच में एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पर हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। डोरंडा का नर्सिंग होम, लक्ष्मी नर्सिंग होम, उसी के बगल में एक नई हॉस्पिटल बनी है दृष्टि हॉस्पिटल। ये तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, रानी चिड़ियाघर हॉस्पिटल, करम टोली, ये ऐसे हॉस्पिटल है जो हर रोज इन तमाम जगहों पर लोग पहुँचते हैं। ऐसे में ये बिना NOC के अपने हॉस्पिटल्स की संचालन काफ़ी लंबे समय से चल रहा, जबकि अग्निशमन विभाग ने, राज्य सरकार ने 2017 में ही ऑनलाइन के माध्यम से NOC प्राप्त करने के लिए लोगों से कहा था कि अपने ऑनलाइन अग्निशमन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाकर के वो अप्लाई कर सकते हैं NOC के लिए। अपने जो जो फायर सेफ्टी सिस्टम जो इंस्टॉल करने की चीज़ें हैं वो अग्निशमन विभाग से तालमेल कर ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं काम। लेकिन कई लोग तो ऐसे लिख रहे जो कि ऑफलाइन जाकर के आवेदन टेबल पर रख करके आ जाते हैं, कहते हैं कि मैंने तो आवेदन कर रखा था, जबकि नियमता आपको ऑफलाइन आवेदन नहीं करनी है इन सारी चीज़ों पर, आपको ऑनलाइन ही आवेदन करनी है और ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही आपके हॉस्पिटल्स को NOC प्राप्त होंगे। लेकिन इसके बावजूद जो तमाम राजधानी के ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बड़े हॉस्पिटल्स के रूप में भी जाने जाते हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो अब तक NOC प्राप्त नहीं कर चुके हैं। चूँकि अगर ऐसे हॉस्पिटल्स को अगर अब छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं जो हैं वो बता करके नहीं आती है, और ऐसे में जब आगजनी की घटनाएं किसी हॉस्पिटल्स में अगर होती है तो बड़ा जान माल का नुकसान भी हो सकता है। सिर्फ आप कुछ फायर सेफ्टी सिस्टम इक्विपमेंट्स के सहारे, सिलेंडर के सहारे आप बड़े आग पर काबू आप नहीं पा सकते हैं। देश ने कई बड़े बड़े हॉस्पिटलों पर बड़ी आगजनी की घटनाओं को देखा है, कई जान माल के नुकसान भी बड़ी संख्या में हुए हैं। ऐसे में अगर आपके पास फायर सेफ्टी सिस्टम के 100% प्रूफ चीजें इंस्टॉल किए हुए हैं आपके हॉस्पिटल में, तीन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, रोका भी गया है। लेकिन जिन हॉस्पिटलों में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं रहते हैं उन हॉस्पिटलों में बड़ी दुर्घटनाएं होती रही है, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिली है। अब जिला प्रशासन को, रांची DC को, सही तमाम वैसे पदाधिकारियों को, राज्य सरकार को ऐसे हॉस्पिटलों को एक बार फिर से चिन्हित करनी चाहिए और चिन्हित करने से अल्टीमेटम के साथ एक नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे हॉस्पिटल जो बिना NOC के संचालन किए जा रहे हैं इन लोगों पर कार्रवाई किया जा सके। क्योंकि अगर अभी अगर नहीं जगते हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा हादसा होगा तो जवाबदेही तो बनती है, चाहे राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो, हॉस्पिटल प्रबंधक हो, अग्निशमन विभाग हो, तमाम लोग हैं जो इनकी जवाबदेही है कि इन चीजों पर कैसे वो निपटेंगे। क्योंकि जिला प्रशासन ने ही, मुझे याद है कि ये सर्वे कराया था और ये सर्वे के आधार पर जब रजिस्टर्ड 114 हॉस्पिटल में से मात्र 22 के NOC प्राप्त हुए हैं, हालांकि रांची के ऐसे बहुत जो बड़े हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जाने माने हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटलों ने NOC प्राप्त किया, लेकिन उसी के पैरेलल जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने अब तक जो है NOC प्राप्त नहीं किया, चाहे वो स्टेशन रोड का हॉस्पिटल हो, डोरंडा का हॉस्पिटल हो, सेवा सदन जैसे हॉस्पिटल हो, करम टोली चौक स्थित हॉस्पिटल हो, मुट्टी मोड़ के पास गुलमोहर हॉस्पिटल हो, इन तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, सिर्फ रांची ही नहीं बाहर से भी लोग यहाँ पे इलाज कराने पहुँच रहे हैं। चूंकि इस कोरोना संकट में एक दौर सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से हॉस्पिटल्स के बिल्कुल देखिए इमरान, अगर इस तरह से अगर 114 में से महज 22 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके पास NOC है और बाकियों के पास नहीं है, अभी कोरोना काल में किस तरह की अफरा तफरी थी वो भी सबने देखा है। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो ये सिर्फ अस्पताल की बात नहीं होगी, आप देखिए कई ऐसे अस्पताल है जिनके पास NOC नहीं है, वो घनी आबादी में वो चलाए जा रहे हैं ऐसे अस्पताल, ऐसे में कैजुअलिटीज की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में अब ये जवाबदेही सभी को तय करनी पड़ेगी, चाहे वो अस्पताल प्रबंधक हो या फिर जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो या अग्निशमन विभाग हो, जवाब तो देना पड़ेगा कि अगर कुछ हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेवारी लेगा कौन। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अस्पतालों में NOC नहीं है फायर सेफ्टी को लेकर, फिर भी धड़ल्ले से अस्पताल चलाए जा रहे हैं, और अगर कुछ हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदेही किसकी होगी, ये कौन तय करेगा।